हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय रंजन और आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आपको रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के बारे में बताऊंगा। इसका सारा एनालिसिस हम लोग करेंगे और देखेंगे कि हम लोग ये अभी कौन से लेवल पे आया हुआ है और वहां से कुछ इसका बाउंस बैक का कुछ ये पॉइंट बनता है या नहीं बनता है, हम लोग यहाँ से देख लेंगे। तो देखिए, जिसके पास रिलायंस कम्युनिकेशन है उन लोगों ने, मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर ने इसको सेल कर दिया होगा। लेकिन देखिए, मतलब इसमें मैं अभी आपको ये सब कुछ बता देता हूँ और इसी वीडियो में मैं आपको एक ऐसे रिलायंस के शेयर का नाम बताऊंगा जो जिसका मतलब फ्यूचर बहुत ही अच्छा है और उसका फंडामेंटल भी बहुत अच्छा है। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इसमें देखिए, इसका रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड का अभी प्राइस 6.50 चल रहा है और आज वो 2.36% ऊपर था और प्रीवियस क्लोज देख लिए 6.35 पे था। ओपन उसने 3.5 पे ही हुआ लेकिन उसका हाई गया 7.65 पे। तो देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग अभी देखेंगे कि इसमें ज़्यादा डिलीवरी हो रहा है या ट्रेडिंग हो रहा है, क्या हो रहा है। तो देखिए, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस जो है वो 6.86 है और इस वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस से ये नीचे ही चल रहा है, 6.50 पे है। लेकिन कुछ अप हुआ है, 2.36 अप हुआ है, लेकिन इसका जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है वो 6.86 है और उससे नीचे ही चल रहा है ये। देखिए, इसका 52 वीक हाई है 30 रुपीज़ और 52 वीक लो है 4.85। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे सिक्योरिटी वाइज जो डिलीवरी पोजीशन है, तो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी, देखिए इसमें क्या हो रहा है, ट्रेड ज़्यादा हो रहा है और इसको इंट्राडे में ही लोग ट्रेड कर रहे हैं, ना कि डिलीवरी पे इसको ले रहे हैं। तो इसमें देखिए, डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी ये परसेंटेज है और इसमें 18% का सिर्फ डिलीवरी के लिए उठाया गया है और जो 82% का इसमें ये है, 82% का उसमें ट्रेड हो रहा है सिर्फ, मतलब इंट्राडे पे लोग इसको ले रहे हैं और उसी दिन बेच रहे हैं। और डिलीवरी के लिए देखिए सिर्फ 18% लोगों ने इसको लिया है। तो ये बहुत ही मेजर चीज़ है और इसीलिए देखिए इसका प्राइस का फ्लक्चुएशन कितना है। हाई इसका 7.65 पे गया है और ये ओपन हुआ है 6.35 पे। तो 6.35 से देखिए कम से कम 1 रुपया वो ऊपर, 1 रुपये से भी ज़्यादा ऊपर गया है। तो 1 रुपीज़ अगर ये ऊपर जाता है तो 6 में मान लीजिए 6 पे ये ओपन हुआ और 1 रुपये ऊपर गया, 1 पॉइंट कुछ रुपीज़ ये ऊपर गया है, तो कम से कम ये 5% का एक दिन में मूवमेंट दे रहा है। और देखिए, इसका लो भी लो इसका 6.25 है। तो अगर लो से इसमें ट्रेडिंग का कुछ इसमें आइडिया बन सकता है, अगर इंट्राडे पे आप लोग ट्रेड करना चाहते हैं इसको उठा सकते हैं, उसमें इंट्राडे पे ट्रेडिंग के लिए मार्जिन पे आप लोग उठा सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें ज़्यादा ही ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं, ये NSE का वेबसाइट है और यहाँ पे बता रहा है यहाँ पे कि परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी, तो इसमें ये ट्रेड ज़्यादा हो रहा है और डिलीवरी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। आप लोग इसको डिलीवरी पे अगर आपको इंट्राडे पे करना है तो आप इंट्राडे पे करिए, इसमें प्रॉफिट बन सकता है। और डिलीवरी पे लेने से इसको मतलब कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इसका मैं फंडामेंटल बता देता हूँ कैसा है, तो उसको हम लोग देख लेंगे अभी। तो देखिए, इसमें मैं प्रोमोटर्स का होल्डिंग बता दें, देखिए प्रोमोटर्स का होल्डिंग इसमें 52.96% है, बैंक्स के पास 0.36% है, FIIs का इसमें 8.41 है सिर्फ, और इसको म्यूचुअल फंड, किसी भी म्यूचुअल फंड ने, मतलब बहुत ही कम म्यूचुअल फंड ने ले रखा है। और इसमें ये म्यूचुअल फंड है जो आर्बिट्राज है, मीन्स प्राइस का ये फ्लक्चुएशन से उन लोग प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड हैं इसमें और वो कैसे हैं। तो देखिए, इसमें जिसमें ट्रेडिंग ज़्यादा होता है उसमें आर्बिट्राज वाले म्यूचुअल फंड ज़्यादा होते हैं, वो प्राइस के फ्लक्चुएशन का फ़ायदा उठा के और म्यूचुअल फंड का पैसा लेकर और उस पर वो प्रॉफिट देते हैं। देखिए, इंश्योरेंस के पास ये 6.37% है। और हम लोग देखिए, इसका मेन मेन चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, इसका रिटर्न हम लोग देख लेते हैं। रिटर्न 1 वीक में इसने 18% का दिया है और 1 मंथ में देखिए ये कंपनी बहुत ही नीचे गई है, 3 ईयर्स में तो इसका बहुत बुरा हाल है। और इसमें देखिए, चेयरमैन हम लोग देख लेते हैं, अनिल धीरू भाई अंबानी है, इसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जे रामचंद्रन हैं और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेकंड हैं वो दीपक शौरी हैं। तो इन सभी शख्सियत को हमें ध्यान में रखना चाहिए। और मैं आगे चलता हूँ, इसमें आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, यह इसका पूरा फंडामेंटल मैं आपको बता देता हूँ।
तो देखिए यहाँ पे रिलायंस कम्युनिकेशन है और इसका मार्केट कैप देखिए 1800 करोड़ का है, और इसका आरओसी देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये बहुत ही कम है, आरओई देखिए बहुत ही ज़्यादा कम है। तो इसको डिलीवरी पे और लॉन्ग टर्म पे इसको रखने से कोई फ़ायदा है नहीं, सेल्स का ग्रोथ भी इसका बहुत कम है। तो मैं ये चीज़ इसलिए दिखा रहा हूँ कि मतलब हम लोग जब भी अच्छी कंपनी का हम लोग एनालिसिस करते हैं तो उसका देखिए आरओसी ज़्यादा होता है, आरओई भी ज़्यादा होता है, 20-30 के करीब में होता है, सेल्स ग्रोथ भी उसका 30% होता है। तो वैसे वैसे कंपनी को हम लोग अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो देखिए ये रिसेंटली मैं आपको 5 ईयर का दिखा देता हूँ, देखिए 140 के करीब से ये अभी कितना 6 रुपीज़ पे ये कंपनी आ चुकी। और देखिए इसका हम लोग सेल्स देख लेते हैं, देखिए स्टॉक इज़ ट्रेडिंग एट 0.46 टाइम्स इस बुक वैल्यू पे, वो 0.46 के बुक वैल्यू पे चल रहा है, बहुत ही कम है ये। और देखिए इसमें क्या है कि इसका कौन क्या है, प्रोमोटर से स्टेक्स है डिक्रीज्ड, प्रोमोटर का जो स्टेक है वो डिक्रीज़ कर रहा है, और इसका द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए पुअर ग्रोथ, इसने डिलीवर किया है 25 पॉइंट माइनस में है, -25.90% का इसने पास्ट 5 ईयर में इसने ग्रोथ दिया है। तो ये बहुत ही कम ग्रोथ है और एकदम ही बिल्कुल नेग्लिजिबल है, एकदम नेगेटिव में है। तो इसका हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं सेल्स। तो देखिए सेल्स इसका मार्च 2016 में 5600 करोड़ के आसपास हुआ करता था, और आज देखिए 1000 करोड़ है सिर्फ। और इसका हम लोग देख लेते हैं नेट प्रॉफिट, देखिए 79 करोड़ था उसका 2016 में, लेकिन अभी देखिए हमारा माइनस में जा चुका है, ये -238 है। तो देखिए इसका यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट था मार्च 2018 में, इसका नेगेटिव बहुत ही चला गया था, नेगेटिव में चला गया था। तो उसी टाइम हम लोग को इस कंपनी से निकल जाना चाहिए था, यहीं पे हम लोग को निकल जाना चाहिए था। अगर कोई लॉन्ग टर्म का है, अगर ये चीज़ देखता है, तो दिसंबर 2016 से ही ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा गिरी है, और एकदम देखिए इसका जिसका नेट प्रॉफिट ही नेगेटिव में चला गया है उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं। तो ये सब मेन चीज़ें होती है किसी कंपनी को एनालिसिस करने के लिए। तो इसका देखिए अभी डिक्रीज़ कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आके 238 इसका ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, बस थोड़ा सा नेगेटिव है, और ये भी मैं बताऊंगा कि ये क्यों है नेगेटिव। तो देखिए इसका ईयरली बेसिस पर हम लोग देख लेते हैं, सेल्स इसका 4000 अभी 4000 करोड़ के आसपास है, और देखिए 2007 में 17000 करोड़ था। तो ये ग्रेजुअली डिक्रीज़ हुआ है एकदम, यहाँ से थोड़ा बढ़ा 25000 पे गया मार्च 2016 में, लेकिन मार्च 2017 में देखिए एकदम ही कम हो गया, और अभी 4000 करोड़ के आसपास आया है। और नेट प्रॉफिट भी देख लीजिए ईयरली बेसिस पे ये 2007 का है, तो वो यहाँ देखिए 2007 में इसका नेट प्रॉफिट था 3500 करोड़, और अभी देखिए नेगेटिव में जा चुका है एकदम ही। नेट प्रॉफिट देखिए 23000 करोड़ का इसको नेट प्रॉफिट है माइनस में, तो माइनस में अभी 19215 रुपीज़ का इसका माइनस में है नेट प्रॉफिट। तो ये सब चीज़ें हम लोग को ध्यान में रखना है, और इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए आप अगर इसमें कुछ प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो इंट्रा डे में आप इसमें कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एनएससी के वेबसाइट पर दिखाया कि इसमें ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, ना कि इसमें ज़्यादा डिलीवरी क्वान्टिटी कोई ले रहा है। तो देखिए सेल्स ग्रोथ इसका देख लेते हैं, बहुत ही नेगेटिव है, 3 ईयर्स में इसने 42% का इसने रिटर्न दिया है, और ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसने 23.36 माइनस में इसने रिटर्न दिया है। तो ये और भी इन्वेस्टर का पैसा घटा रही है ना कि बढ़ा रही है, कुछ अप्रिसिएशन नहीं है इसमें, और एकदम ही सब कुछ नेगेटिव है, सब माइनस में दिख रहा है, आप देख रहे हैं रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका माइनस में है, यहाँ पे 3 ईयर्स का 4.32 माइनस में है उसका रिटर्न ऑन इक्विटी, TTM है उसका 16.57% माइनस में। तो देखिए एकदम ही बिल्कुल ये नेगेटिव है। और आगे चलते हैं, मैं इसमें मेन मेन चीज़ आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ शेयर होल्डिंग्स पैटर्न। तो देखिए यहाँ पे शेयर होल्डिंग्स पे मैंने क्लिक किया है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने कितना लिया है, इनका 53% प्रोमोटर्स का होल्डिंग है, और टोटल यहाँ पे देख लीजिए 53% प्रोमोटर्स का होल्डिंग है, और इसमें देखिए यहाँ पे टोटल पब्लिक होल्डिंग देख लीजिए, टोटल पब्लिक शेयर होल्डिंग्स 46.51% का है टोटल पब्लिक होल्डिंग, और
देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग का टोटल शेयर होल्डिंग्स प्रोमोटर्स का कितना था। ये 53% का प्रोमोटर्स का होल्डिंग था और इसका 46.51% इसका टोटल पब्लिक शेयर होल्डिंग्स है। तो और मैं एक मेन चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, म्यूचुअल फ़ंड होल्डिंग दिखाना चाहता हूँ मैं आपको कि इसमें कौन कौन से म्यूचुअल फ़ंड ने इसमें बाई किया है। तो देखिए इसमें यहाँ से आपको एकदम ही क्लियर हो जाएगा इसका जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए DSP आर्बिट्राज फंड, क्योंकि देखिए आर्बिट्राज इसमें ज़्यादा हो रहा है, ट्रेडिंग ज़्यादा हो रहा है इसमें, ना कि डिलीवरी पर कोई ले रहा है, तो इसलिए ये आर्बिट्राज फंड है, तो इसलिए इसने इसको बाई करके रखा है इस कंपनी को। और हम लोग देख लेते हैं, तो देखिए IDFC आर्बिट्राज फंड, इसने भी इसको बाई किया है। तो देखिए आर्बिट्राज फंड वाले ही इसको बाई कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसमें ट्रेडिंग हो रहा है और इसके इसका इंट्राडे में मूवमेंट जो हो रहा है, आर्बिट्राज प्राइस फ्लक्चुएशन जो हो रहा है और प्राइस डिफरेंस का फ़ायदा उठाया जा रहा है यहाँ पर। तो ये मेन चीज़ है, देखिए यहाँ भी आर्बिट्राज है, आर्बिट्राज में ही इस कंपनी को बाई करके रखा है जितने भी आर्बिट्राज वाले म्यूचुअल फंड हैं। और आगे देख लेते हैं, इसका कुछ मैं अपडेट दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये हमारा न्यूज़ है आज का, और इसमें क्या है कि अपडेट, वन इंडिया सार्कॉम लुक्स टू रियल इस्टेट असेट। देखिए अभी इंडिया जो आरकॉम है वो क्या कर रहा है कि अभी थोड़ा रियल इस्टेट पे फोकस कर रहा है और रियल इस्टेट को सेल करना चाहता है, और जियो डील टू पे एरिक्सन ड्यूज, जियो के साथ डील करना चाहता है मुकेश अंबानी के साथ, इसका जो एरिक्सन का ड्यूज है उसको पे करने के लिए। तो देखिए ये दो चीज़ें हमारे सामने आ रही है, मेन जो दो चीज़ें हैं वो सामने आ रही है कि ये अपना रियल इस्टेट को जो चेन्नई और कोलकाता में है उसको सेल करना चाह रहा है, और 50 बिलियन का डील है वो जियो से, वो जियो से मांग रहा है कि इतना मुझे मतलब दे दो पैसा। तो देखिए कंपनी सोल्ड जियो फाइबर्स को उसने सेल कर दिया है और रिलेटेड टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर असेट, और उस जो इंफ्रास्ट्रक्चर असेट था इसका उसको भी सेल कर दिया है इसने। मेन चीज़ें मैं आपको इसमें बता देता हूँ। देखिए इंडियन यहाँ पे मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको, इंडियन सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे ऑर्डर अंबानी रिलायंस कम्युनिकेशन एंड टू ऑफ इट्स डायरेक्टर टू पे इरेक्शन 4.5 बिलियन रुपीज़। देखिए उन्होंने 4.5 बिलियन रुपीज़ का इस पर वो लगाया है कि इसको हमें इसको वापस करना है। देखिए ये $63 मिलियन इसका था ड्यूज़ है और उसको पे करना है विद इन फोर वीक्स में उसको पे करना है, और फेज 3 मंथ जेल टर्म, और नहीं तो फिर 3 मंथ्स का जेल टर्म वो करना पड़ सकता है, इनको जेल जाना पड़ सकता है। तो देखिए ओज ए टोटल 5.7 बिलियन रुपीज़ टू स्वीडिश टेलीकॉम इक्विपमेंट मेकर इंक्लूडिंग अ वन टाइम सेटलमेंट ऑफ 5.5 बिलियन रुपीज़ एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ 210 मिलियन रुपीज़। तो देखिए इसमें क्या है कि कंपनी ने बोला कि एक स्टेटमेंट दिया और उसमें बोला कि उसने डिपॉजिट कर दिया है 1.18 बिलियन जो रुपीज़ है वो उसने डिपॉजिट कर दिया है, और टोटल देखिए 4.5 बिलियन रुपीज़ उसको इस कंपनी को ये एरिक्सन को देना है। तो देखिए ये तो बोल रहा है कि 1.18 बिलियन उसने वो कर दिया है, वापस कर दिया है, लेकिन फिर उस पर यहाँ पे है विद द सुप्रीम कोर्ट एंड हैज़ सोट अप्रूवल फ्रॉम इट्स लेंडर टू रिलीज टैक्स रिफंड। देखिए उस वो अभी क्या होता है, कंपनी ये कर रही है कि अपने लेंडर से अप्रूवल ले रही है कि मुझे अपना मतलब जो ये रिफंड है उसको हम लोग को कुछ सेल करना है, और इसमें जितने भी लेंडर्स हैं उनसे ये कंपनी वो अलाउ करने के लिए वो बोल रही है कि आप लोग अलाउ कर दीजिए ये 2.6 बिलियन रुपीज़ देने के लिए एरिक्सन को। तो देखिए ऐसे ऐसे इसमें बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं धीरे धीरे करके, और अगर ये कंपनी चेन्नई और कोलकाता के असेट्स को सेल करती है तो इसमें थोड़ा सा लिक्विडिटी आएगा और मे बी शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा इसमें बाउंस बैक आ सकता है। तो देखिए इट इज़ ऑल्सो अर्ज रिलायंस जियो कंट्रोल्ड बाई अनिल्स एल्डर ब्रदर एशिया रिचेस्ट मैन मुकेश अंबानी। देखिए जो उसने अर्ज किया है रिलायंस जियो को कि मेरा जो पेमेंट है जो ये है
ड्यूज़ है उसको पे करने में मेरी मदद करो। तो देखिए, अगर इसमें लिक्विडिटी आती है, अगर ये सारा कुछ हो जाता है, लिक्विडिटी आती है, तो मे भी अगले क्वार्टर में कंपनी में भी थोड़ा सा प्रॉफिट में जा सकती है, और इसका मे भी शेयर प्राइस थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो सकता है, थोड़ा ऊपर की तरफ जा सकता है। तो देखिए, ये था न्यूज़ इसका, और मेन मेन न्यूज़ मैंने आपको बता दिया इसका क्या है। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, देखिए, इंडियाज़ आर्को मास्क लैंडर टू रिलीज़ इतना मिलियन डॉलर, 36 मिलियन डायरेक्टली टू एरिक्सन। देखिए, आर्कोम वो पूछ रहा है अपने लैंडर से रिलीज़ करने के लिए 36.6 मिलियन डॉलर एरिक्सन को देने के लिए, ये अपने लैंडर्स को पूछ रहा है। तो लैंडर्स क्या है कि इसको अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे वो उनके ऊपर है। अगर लैंडर्स अलाउ कर देते हैं तो फिर कंपनी में थोड़ी लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, और मे बी इसका शेयर प्राइस थोड़ा सा ऊपर जा सकता है यहाँ से। तो यही है मेन न्यूज़ इसका, और हम लोग अभी देख लेते हैं इसमें टेक्निकल एनालिसिस इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस पे क्लिक किया है, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे अभी इसका जो भी है टेक्निकल एनालिसिस चार्ट देखेंगे हम लोग, अभी कहाँ से कहाँ कंपनी जा चुकी है और कितने इयर्स में इसका जो ये प्राइस डिफरेंस आया हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे ये वन डे का चार्ट है, और हम लोग देख लेते हैं वन ईयर में, देखिए इतना है इसका। देखिए, ये हमारा जो 299 300 के करीब में ये कंपनी हुआ करती थी 9 जनवरी 2009 को, लेकिन उसी टाइम से इस कंपनी में थोड़ा सा देखिए एकदम ही नेगेटिव है, एकदम ही नेगेटिव आया, और यहाँ आके थोड़ा सा कंपनी ऊपर गई थी रिलायंस कम्युनिकेशन, और फिर से अभी देखिए एकदम ही गिर गया है। तो ये स्टार्टिंग से कंपनी ने अच्छा कुछ परफॉर्म नहीं किया है, तो इसका फंडामेंटल ही एकदम मतलब ऐसा आ रहा है कि स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा नेगेटिव नेगेटिव रहा है। बीच में थोड़ा सा स्पाइक हुआ था तो यहाँ पे उसका प्रॉफिट बढ़ा था 2013 में, तो यहाँ से देखिए इसका शेयर प्राइस भी बढ़ा था, और ये अभी एकदम ही नेगेटिव है। इसमें हम लोग शॉर्ट टर्म अगर लेना है कुछ कुछ टर्म के लिए, मतलब इंट्राडे में अगर बाइंग बाइंग सेलिंग करना है, तो इसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है, 5-6% का रोज़ इसमें फ्लक्चुएशन आता है, क्योंकि इसमें आर्बिट्राज ज़्यादा हो रहा है। तो मे भी हम लोग इसको शॉर्ट टर्म के लिए इंट्राडे में इसमें आप कुछ बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल मतलब कंपनी अच्छी नहीं है, क्योंकि इसका हम लोगों ने फंडामेंटल देखा। और आप लोग एक बार अपने एडवाइज़र से पूछ लीजिए इसके बारे में कि क्या उनकी राय है, उसके बाद ही कुछ इस पे आप लोग एक्शन लीजिए। तो देखिए, मैं लास्ट में बोलने वाला था कि मैं आपको बताने वाला था ये कंपनी के बारे में, कौन सी कंपनी थी, वो रिलायंस की ही है, लेकिन ये थोड़ी अच्छी कंपनी है। देखिए, रिलायंस निपन लाइफ एसेट मैनेजमेंट, तो ये क्या करती है, म्यूचुअल फंड का जितना भी रिलायंस म्यूचुअल फंड होता है उसको ये मैनेज करती है कंपनी। देखिए, इसका हम लोग ROCE देख लेते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये 34 है, और रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 24 है, और इसका सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है, डिविडेंड भी अच्छा दे रही है ये कंपनी, इसका फंडामेंटल अच्छा है। और देखिए, बाउंस बैक यहाँ से कैसे हुआ है इसका, ये 4 फरवरी 2019 के बाद, देखिए अभी 22 फरवरी 2019 को कम से कम इसका प्राइस 131 था यहाँ पे लो पे, और अभी 200 जा चुका है। तो कम से कम ये कंपनी इतने टर्म में, कम से कम 20 दिन में इसने 50% तक का रिटर्न दिया है इस पे। तो ये देखिए, ऐसे मतलब ऐसी ऐसी कंपनी है, बहुत सारी कंपनी है, तो ये अच्छी कंपनी है, मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी मैं आपको इसका देखिए करंट प्राइस 200 पे चल रहा है, इसमें आप लोग ये बाइंग कर सकते हैं अभी, और ये अच्छी कंपनी है, डिविडेंड भी दे रही है, और पी देखिए प्राइस बाय अर्निंग रेशियो भी इसका काफ़ी अच्छा है। थैंक यू दोस्तों।